अभी आना है। ये आप रहते हुए आप उसका पैसा भी फोन नहीं किया आपके। शुरुआत किए थे उस समय तो हफ्ते नहीं, हमारे चाचा राम सनेही मिश्र जी 1922 में शुरू किए थे और 85 में उनका देहांत हो गया तो हमारे नाम से लाइसेंस बना था। 85 की भीड़ आज की भीड़ में बहुत अंतर है। 85 में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, जमीन में लोग बैठते थे, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, लेकिन अपार भीड़ होती थी। अब घर घर टीवी हो गया, टीवी का जमाना आ गया, भीड़ थोड़ा कम हुई है पहले से, लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीड़ आज भी आती है राम के दर्शन करने के लिए। रामलीला में पहले जो रामलीला आती थी उसमें मनोरंजन का साधन ज़्यादा होता था, आज जो रामलीला आती है वो रीवा से आती है, मध्य प्रदेश से, उसमें मनोरंजन का साधन बहुत कम रहता है। रामलीला अच्छी होती है लेकिन मनोरंजन का साधन कम होने की वजह से पब्लिक आजकल नाच गाना ज़्यादा पसंद करता है, वो कम हो गया है, इसलिए पहले की अपेक्षा भीड़ थोड़ा कम होता है। श्री श्री रामलीला उत्सव समिति का ये 101वां वर्ष है। पिछले साल शताब्दी समारोह मनाने के बाद यह शताब्दी काल है जो 105 वर्षों तक चलेगा। इस बार रामलीला कार्यक्रम रीवा के आदर्श मंडली द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जो रीवा से 18 सदस्यों द्वारा आई है। ये 18 सदस्य रामलीला का मंचन करेंगे और राम की कथा का प्रस्तुति करेंगे। इस बार रामलीला में पंडाल हमने बड़ा किया है, हमने कार्यक्रम को थोड़ा भव्यता का रूप दिया है, हमने अपने रावण का जो हमारा पुतला था उसको नए तरीके से बनाने का प्रयास किया है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को, उसके मैंने देख रख रखाव को और उसके देखने के लुक को हमने थोड़ा सा अच्छा किया है। साथ ही साथ रामलीला समिति इस बार अपने धार्मिक प्रचार के साथ साथ सामाजिक कर्तव्य को निभाते हुए नशा मुक्ति के विरोध में, नशा मुक्ति के पक्ष में कार्य करते हुए रामलीला समिति अपना जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और अपने कार्यों को सफल करेगी। LCD स्क्रीन भी लगने वाला है। हाँ, हमने प्रयास किया था कि कम से कम 10 दिन का लगे, लेकिन थोड़ा कुछ अड़चन आने के चलते हमने 2 दिन का प्रयास किया है। 9वीं और 10वीं LCD स्क्रीन लगेगा जो 101 सेंटीमीटर का रहेगा और उसको भव्यता रूप से दिखाया जाएगा रावण दहन के दिन और 9वीं के दिन। हिंदुस्तान की संस्कृति के सिरमौर श्री श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम होने के पक्ष में जो अनुकरणीय कार्य हैं उनको इस जमशेदपुर में विस्तारित करने की उद्देश्य से रामलीला उत्सव समिति निरंतर प्रयास करती रही है और अभी भी प्रयास करती रहेगी। पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और सभी धर्मों के लिए एक समस्या पैदा हो रही है, उसमें सनातन समस्या के समाधान के लिए रामलीला उत्सव समिति सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आगे भी ये प्रयासरत रहेगी। जय हिंद, जय भारत।